हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद फन बाय चॉइस ग्रुप। मैं हूं सूरज सर और थैंक यू फॉर योर लॉट्स ऑफ सपोर्ट। बहुत आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत थैंक यू सबको, थैंक यू धन्यवाद। आप लोग बहुत प्यार कर रहे हैं मुझे, ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इंशाल्लाह आपके हर एक वीडियो लेके आऊंगा, हर एक एक्सरसाइज का वीडियो लेके आऊंगा, ट्राई करूंगा हर एक सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ पे आपको कराऊ और हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर यहाँ पे कराऊंगा। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए आप लोग, जो भी चीजें आप लोग को ना आए। कभी कभी मैं फास्ट बोल रहा हूँ, स्लो बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे बताइए सर यहाँ पे फास्ट जा रहे हो, यहाँ पे स्लो जा रहे हो, कोई भी चीजें नहीं समझ में। तो जैसे पहले वाले वीडियो में मैंने देखा मेरा वॉइस बैकग्राउंड में बोल रहा था, बिकॉज ऑफ यहाँ पे प्रॉब्लम था जहाँ पे बना रहे वीडियो, यहाँ पे आवाज गूंज रहा था। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा इस बार आवाज आप लोग क्लियर है। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो जो पिछला बनाया हुआ अच्छा लगा है और आपको फॉर्मूले याद होंगे, आई होप सब फॉर्मूले याद होंगे। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं फॉर्मूले का, देखते हैं कि आप लोग को याद है कि नहीं याद रहेगा तो याद हो जाएगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये ट्रिग्नोमेट्री का, वो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी याद रखेंगे बेटा, याद है तीन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होते हैं, देयर आर थ्री ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, उससे सिक्स और फॉर्मूले बनते हैं, नाइन हो जाते हैं। नौ फॉर्मूले आपको दिमाग में याद होना चाहिए, नाइन फॉर्मूले। सोचो कि नहीं याद है तो तीन तो याद हो सकता है, हाँ याद हो सकता है सर, याद भी है। चलो ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देखते याद है क्या। चलो देखते बेटा क्या था बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। क्या बोला बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। ठीक है, समझ रहा है, होने लगा है प्यार आप लोगों को कि नहीं, कमेंट करके बताइए किस किस को प्यार होने लगा है, किसको को हो गया है। विद्या से, किसे, विद्या से, विद्या मां से, ठीक है, मैथ से, ठीक है, करेंगे। चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। ठीक है, सेकेंड वाला क्या था बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। याद रखिएगा साइन वाला जो है साइन कॉस का प्लस में है और बाकी सेक और टेन का क्या है माइनस में है, कोसेक का क्वाडर क्या है माइनस में, बस इतना याद रखना है, बाकी इजी है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, बस इस पे ही आपके पांच क्वेश्चन होने वाले, पहले पांच और क्वेश्चन फॉर्मूला सर बस यही फॉर्मूला नहीं, रिलेशनल फॉर्मूले भी आपको याद करें सर, बता दीजिए। ठीक है, बता देता हूँ। देखिए साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, इट मीन साइन थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन कोसेक थीटा। याद रखेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक। याद रखिए साइन कोसेक का उल्टा होता है, क्या बोल रहे हैं सर, साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन, जब साइन कोसेक का उल्टा होगा तो कोसेक किसका उल्टा होगा, साइन का। इट मीन साइन थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन साइन थीटा। याद हो गया बेटा, याद करके रखिए, कहीं आएगा यू शेयर राइट। कॉस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, कॉस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, then sec theta is a reciprocal of cos theta, it means cos theta equals to 1 upon sec theta and sec theta equals to 1 upon cos theta। हाँ सर, लर्न हो गया, वेरी गुड, ऐसे ही करते रहिए आप लोग। आगे देखिए, tan theta is a reciprocal of cot theta, tan is a reciprocal of cot theta while cot is reciprocal of tan theta, right sir, right। देखिए और क्या होता है, tan का एक फॉर्मूला और होता है ना, tan theta equals to sin theta upon cos theta। हाँ सर सही बोल रहे हो, पिछले लेक्चर में बताया था आप, हाँ याद रखना है, भूलना नहीं है, अभी अपने दिल में बसा लेना है, रग रग में ट्रिग्नोमेट्री समा जाना चाहिए। tan theta equals to sin theta upon cos theta, याद है ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, उसके बाद cos theta क्या होगा, इसका उल्टा, ये sin upon cos होता है, ये sin upon cos होता है, sin theta upon cos theta, तो क्या होगा cos theta upon sin theta, किसके बारे में मतलब cot theta, क्या होगा cos theta upon sin theta, cot equals to cos theta upon sin theta। याद हो गया, याद हो गया। मैं और क्या बोला था बेटा, वो भी क्विक रिवीजन कर, याद करो याद करो याद करो, क्या बोला था, इफ वी टेक अ प्रोडक्ट ऑफ, टेक अ प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल्स देन वी विल गेट व्हाट, यूनिटी, यूनिटी मींस व्हाट, वन, क्या, वन। If we take a product of reciprocal, then we get unity. It means when we multiply sine into cosec, we will get one. ना कहीं भी sine theta into cosec theta दिखा तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए, सर ने कुछ बोला है, कुछ कुछ होने लगेगा, कुछ कुछ होने लगेगा, याद आने लगेगा, क्या sine theta into cosec theta equals one, मतलब बोला था ना बेटा, याद रखेंगे ना, हाँ। tan theta into cot theta equals one, cos theta into sec theta equals one, सर पूरा बता दिया,
पूरा बता दिए, सब तो याद हो गया, याद रहेगा ना, चिंदी है मैं, मैथ को बना देंगे पूरा हलवा, हलवा हलवा बन जाएगा मैं, और आपको होने लगेगा प्यार मैथ से, किससे, मैथ से। चलो, क्योंकि आपको कितना स्कोर करना है, 100 out of 100। जो सूरज सर का मोटिव है ना, ये है मेरा मेन मोटिव, यही है कि हमारे बच्चे 100 out of 100 मैथ में स्कोर करने चाहिए, ना कि मैथ में, आपको ऑल सब्जेक्ट में टारगेट करना है, ऑल सब्जेक्ट में, क्योंकि बहुत बच्चों का लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई छूट गया है, स्कूल नहीं चालू हुआ है, तो उनको आप शेयर करिए, और यह चैनल सच में आपको पसंद आया ना, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, पूरा गर्दा उड़ा दो बेटो, गर्दा उड़ा दो, और इतना सब्सक्राइब करवा दो ना सबको, एकदम पूरा छा जाना चाहिए चैनल कि सूरज सर आ गए हैं बच्चों का सपोर्ट करने के लिए। अभी तो मैथ में 100 out of 100 आए गए, क्योंकि ये चैनल बस आप लोगों के लिए है, मैं आप लोगों के लिए हूँ, आप लोगों का हेल्प करने के लिए हूँ। सच में अच्छा लग रहा है ना, सच में आपको दिल में पूरा बस जा रहा है मैथ का, और मैथ से प्यार होने लगा है, सबको शेयर करो, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, और अपने स्कूल ग्रुप में फ्रेंड्स को सबको शेयर करिए, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, मैथ का पहला एक्सरसाइज जो आपका पहला एक्सरसाइज नहीं है मैथ का, चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1। आशा करता हूँ ये फॉर्मूले आप लोग को लर्न हो गए रहेंगे, आई होप आप लोग लर्न कर लिए रहेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 7.25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा। क्या दिया बेटा, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 7.25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा, इट मींस वी हैव गिवन विद द वैल्यू ऑफ साइन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस एंड टैन, हमको कॉस और टैन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान है, याद करो, कुछ याद आ रहा है क्या आपको, ये क्वेश्चन देखने के बाद कुछ कुछ हो रहा है क्या, ये कुछ कुछ हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो भाई बहुत गड़बड़ी, क्या हो रहा है ना, पढ़ाई से रिलेटेड चीजा कुछ कुछ होने लगा, हाँ सर होने लगा है। देखो क्योंकि साइन थीटा दिया है सर, कॉस थीटा पूछा है, साइन और कॉस का कुछ फॉर्मूला है सर, यस इट इज देयर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, याद रखिए सर, याद रखेंगे, पूरा याद रखिए, जब तक है जान तब तक फॉर्मूला नहीं भूलना बेटा, कब तक नहीं बोलेंगे, जब तक है जान, क्योंकि सूरज सर ने बोला है मैं से प्यार करना है, विद्या माँ से प्यार करना है, अपने गले से लगा लो, दिल में बसा लो। चलो तो बेटा फर्स्ट वी हैव टू राइट द सॉल्यूशन, राइट द गिवन फर्स्ट, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या दिया बेटा, साइन थीटा इक्वल्स टू 7/25, ओके। तो इसको देखने के बाद आप लोग को कुछ कुछ होना चाहिए, सर कुछ नहीं हो रहा है, हो रहा है सर, बहुत लोग हो रहा है, देखो जिनको फॉर्मूला याद होगा ना उनको बहुत कुछ खलबली होने लगी पूरा, ठीक है, सीधा पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। चलो साइन थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सर फॉर्मूला है, हाँ यही फॉर्मूला, आइडेंटिटी याद रखेंगे ना, याद रखेंगे ना बेटा। चलो तो क्या लिखेंगे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, राइट, दिस इज द फॉर्मूला, और यू कैन राइट बी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, नाउ इंस्टेड ऑफ साइन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ साइन व्हिच इज 7/25, बट हियर वी हैव अ साइन स्क्वायर थीटा, हियर वी हैव अ साइन थीटा, तो क्या करेंगे बेटा, साइन स्क्वायर थीटा है, इट मींस उसके वैल्यू का भी स्क्वायर करेंगे, उसके वैल्यू का भी स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो देयरफॉर instead of sin theta we have to put what, 7/25, but sir yahan square, haan bachcho to iska kya kar dena hai, square kar dena hai, kya karna hai, square kar dena hai, plus cos square theta equals to 1, right, itna sabko samajh raha hai, very good beta, chalo ab dekho beta 7 ka square kya hota hai, 49, ye to sabko pata hai, right, 25 ka square 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, क्या करना है सर, अभी देखिए, जो अभी देखो बेटा ये क्या है, नंबर, नंबर का साइन क्या है, राइट, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना, साइन ट्रांसफर होगा, साइन भी चेंज होगा, है कि नहीं, सोचो ये अपने रिश्तेदार के पास जाते हैं, रिश्तेदार के पास जाते हैं, कपड़ा चेंज करने जाते हैं ना, नया नया कपड़ा पहन जाते हैं ना, तो इसका साइन चेंज होगा, इट मीन इसका साइन चेंज होगा, कपड़ा चेंज करने का मतलब क्या, जब ये साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा, ठीक है, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो कपड़ा चेंज कर दिया, राइट, तो ये कहीं जा रहा है तो इसका साइन चेंज होगा, जब देखो
तभी भी मैथ एक्सप्रेशन में जब कोई टर्म ट्रांसफर होता है एक साइड दूसरे साइड में तो उसका साइन चेंज होता है। ऐसे याद रखो कि हम कहीं जाते हैं तो कपड़ा चेंज करके जाते हैं ना, नया पहन के आते हैं, तो ये अपना कपड़ा चेंज करेगा नहीं, साइन चेंज करेगा, साइन चेंज। तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 49 अपॉन 625। सर अभी क्या करेंगे, बहुत इजी है, फ्रैक्शनल एडिशन सबट्रैक्शन किए हैं वैसे करना है, ठीक है। इधर देखो अपॉन में कुछ नहीं, सबका मालिक एक रहता ही है बेटा, अपॉन में कुछ नहीं है तो सबका मालिक एक रहता ही है, राइट, मतलब अपॉन में 1 रहता है। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, अंधेरा कायम रहेगा। जो हम लोग शक्तिमान देखते थे वहां पे बोलता था कि अंधेरा कायम रहेगा, एक्चुअली क्या बोलता था, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, फिर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। देखो बेटा 625 into 1 minus 1 into 49 upon 625 into 1 625। क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू इतना। अब क्या करना है बेटा, अब क्या करना है, यहां से इसको माइनस करना है, 625 माइनस 49 कितना होता है बेटा, 576। कितना होता है बेटा, 576। याद रखते हो बेटा, करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स, देखो बेटा 5 minus 9 15 हो जाएगा ना, बॉर हो जाएगा 50 minus 9 6 50 minus 9 6 11, 1 बचा ना, बॉर हो जाएगा, तो 11 minus 4 7, then 6 बोरो दिया तो क्या हो जाएगा बेटा 576 upon 625 upon 625, right? Now taking square root on both side, you can write taking square on both, taking square root on both side or directly आप कर सकते हैं, therefore cos theta equals जो बेटा हमें square रटेगा ना, इधर क्या आएगा under root, क्या आएगा under root, क्या आएगा बेटा under root, क्या आएगा अंडर रूट 576 अपॉन 625। याद रखने का, जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो दूसरे साइड क्या आता है, अंडर रूट आता है। सर प्लस माइनस नहीं आएगा, आएगा नहीं, यहां नहीं आएगा, देखो ज्योमेट्री में प्लस माइनस नहीं आता, क्यों सर, कोई पूछ लिया क्यों प्लस माइनस नहीं आता, सूरज सर ने बताया नहीं क्या, सूरज सर बता रहे हैं बेटा, देखो ज्योमेट्री में प्लस माइनस क्यों आता, बिकॉज ज्योमेट्री में जो भी हम पढ़ते हैं विच इज रिलेटेड टू लेंथ डिस्टेंस एरिया और ये सब चीजें कभी नेगेटिव नहीं होती, therefore यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आता। याद रखेंगे बेटा सूरज सर ने क्या बोला, ज्योमेट्री में प्लस माइनस क्यों नहीं आता, क्योंकि जो भी हम चीजें पढ़ते हैं विच इज रिलेटेड टू लेंथ डिस्टेंस एरिया और दिस थिंग्स नेवर बी नेगेटिव, ये सारी चीजें कभी भी नेगेटिव में नहीं होते, therefore we don't write the plus minus, ठीक है, हम नहीं लिखते प्लस माइनस, ठीक है, याद रखेंगे। हाँ कोई पूछ सकता है ना बेटा, हाँ लेकिन ये एलजेब्रा में रहेगा तो आपको प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको कितना स्कोर करना 100 out of 100, थोड़ा सा ये बैच का ही नाम है जीरो टू हीरो, मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूँ, एक एक चीज बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ठीक है चलो। तो बेटा इसको देखिए कुछ कुछ हो रहा है, हाँ सर होने लगा है कुछ कुछ, होने का मतलब कुछ आइडिया है क्या, देखो इसको देखिए कुछ याद आ रहा है, हाँ याद आ रहा है सर, ये किसका स्क्वायर है 24 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 24 का, किसका बेटा 24 का स्क्वायर, 576 इज स्क्वायर ऑफ 24 ना, तो इसका रूट का निकल क्या आएगा 24, ये किसका स्क्वायर बेटा 25 का, तो क्या आएगा 25 cos थीटा इक्वल्स टू 24 अपॉन 25 आ गया। हाँ सर ये तो cos का वैल्यू मिल गया सर, बट वी हैव टू फाइंड tan आल्सो, राइट, तो tan थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, tan थीटा का यदि आपको फॉर्मूला याद होगा, अभी प्लस बैक में जाइए, प्लस बैक में जाइए, tan थीटा का मैंने कुछ देर पहले बोला क्या बोला था, tan थीटा का दो फॉर्मूले होते हैं रिलेशन फॉर्मूले में, क्या होता है सर, tan थीटा इक्वल्स टू, पहले लिख के बताता हूँ आप लोग याद रहेगा, tan थीटा इक्वल्स टू 1 upon cos थीटा होता है, हाँ सर ये तो होता है, पर यहाँ नहीं लगा सकते ना सर, नहीं लगा सकते, देखो यहाँ पे cos एंड sin है तो cos का क्या फायदे, इसका जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम लोग sin cos वाला लगा देते, क्या है वाला बता दो, देखो tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये फॉर्मूला आपके दिल में बस जाना चाहिए, कहां बस जाना चाहिए, दिल में बसा लो दिल में इसको बेटा, ठीक है, बहुत यूज होगा इस फॉर्मूले, ठीक है, याद रखिए, याद रखिए। चलो तो अभी cos थीटा मिल गया, tan का फाइंड आउट करेंगे, तो सिंस tan थीटा इक्वल्स टू
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपने पास वी हैव अ वैल्यू ऑफ साइन एज वेल एज कॉस नाउ, सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस टू फाइंड द टैन, राइट। चलो पुट कर लेते हैं बेटा, टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा का वैल्यू क्या बेटा, 7/25, 7/25, तो 7/25 अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू क्या है बेटा, देखो इधर तो देखो, इधर 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 देखो, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है बेटा, 24/25, पुट कर दो यहाँ पे 24/25, 24/25, तो बेटा इसको देख के कुछ कुछ होने लगा, जैसे इसको देखें ना आपको कुछ कुछ होना चाहिए, कुछ कुछ होना चाहिए, हो रहा है क्या, देखो इसको देख के कुछ कुछ करने का मन करना चाहिए, क्या बोल रहे हो सर, कुछ कुछ, हाँ कैंसिल करने का, इसका कैंसिल करने का, कुछ कुछ मतलब क्या, कैंसिल, ठीक है, 25 कुछ कुछ हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, 7/24, 7/24, therefore tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, 7/24, फिर वही एडवर्टाइजमेंट देखा, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा, ठीक है, अंकल का टीवी डब्बा है, लेकिन आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना, राइट। चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकेंड क्वेश्चन 6.1 का सेकेंड क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, टेक्स्टबुक में क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग के लिए, इफ tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा, tan दिया है बेटा, sec फाइंड आउट करना है, तो कुछ याद आ रहा है, किसी फॉर्मूले की याद आ रही है, किसी की याद नहीं, किसी की और की याद नहीं आनी चाहिए, फॉर्मूले की, फॉर्मूले की याद आ रही है, हाँ सर एक फॉर्मूला था जिसकी याद आने लगी, इस फॉर्मूले को याद करना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, देखो बेटा tan का वैल्यू दिया हुआ है, sec का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, याद आएगा, याद आनी चाहिए, बाकी किसी की याद आ रही है उसे छोड़ो, अभी फिलहाल इस पे फोकस करेंगे, क्योंकि सूरज सर ने बोला है 100 out of 100 लाना है, तो बस हम लोग विद्या को याद करेंगे, विद्या मार्क, विद्या मार्क, ठीक है। चल तो बेटा सोल्यूशन में पहले जो गिवन है दे दीजिए, tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, अब फॉर्मूला आपको बता दिया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, पूरा लर्न कर ले बेटा, रट रट में समा जाए फॉर्मूला, तो क्या लिखेंगे, सिंस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, क्या करना है बेटा, tan का वैल्यू पुट कर देना tan की प्लेस पे, यहां पे tan थीटा है, यहां tan स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब बेटा यहां पे tan का जो वैल्यू है ना उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, देखो देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan का वैल्यू क्या है 3/4, यहां tan स्क्वायर थीटा है तो 3/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देखो बच्चों sec स्क्वायर थीटा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1, तो बेटा यहां पे -9/16 है, मैं क्या बोला था, जब हम लोग कहीं जाते हैं तो कपड़ा चेंज करके जाते हैं ना, नया नया कपड़ा जाते हैं, जो रिलेशन में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो ये भी क्या कर रहा है, अपने घर से कहीं और जा रहा है ना, तो ये भी अपना कपड़ा चेंज कर जाएगा, मतलब क्या करके आएगा, साइन चेंज कर जाएगा, साइन चेंज हुआ, माइनस है तो प्लस, चलो sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/9/16, अब क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां कुछ नहीं तो सबका मालिक एक, सबका मालिक एक होता है ना बेटा, होता है, कहां कुछ नहीं वहां भगवान, ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बेटा क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 16 × 1 प्लस 1 × 9 9 अपॉन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई और 16 × 1 क्या हो जाएगा बेटा, 16 क्या हो जाएगा, 16 बेटा 16 + 9 क्या होता है 25, क्या होता है बेटा 25 अपॉन 16, अब बेटा अभी जस्ट कुछ देर पहले मैं आपको बोला था कि स्क्वायर का क्या आएगा, अंडर रूट, क्या आएगा बेटा अंडर रूट, देयरफॉर sec थीटा सॉरी sec थीटा स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हुआ, हुआ? अंडर रूट आएगा इक्वल्स टू अंडर रूट 25 अपॉन 16, तो 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 16 किसका है 4 का, देयरफॉर sec थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 5/4, 5/4 याद रखेंगे बच्चों, हाँ सर याद रखेंगे,
sec मिल गया बेटा, क्या फाइंड आउट कर रहा है? cos। हाँ सर कुछ याद आ रहा है, sec cos में कुछ रिश्ता है, इनका रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत गहरा है, रेसिप्रोकल का उल्टा है एक दूसरे का, क्या है? उल्टा है। चलो पलटी मारो इसको, cos आ जाएगा। चलो सिंस cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा, therefore cos थीटा इक्वल्स टू, सीधा इसका पलटी मार के लिखो, या तो 1/5/4 लिख के फिर लिखो, तो डायरेक्टली यू कैन राइट 4/5, क्या कर देना है वैल्यू को रिवर्स कर देना, रिश्ता रेसिप्रोकल होता है, therefore cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/5। आई होप आप लोगों को समझता रहेगा, आप लोगों को समझ रहा है बच्चों तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो करता हो रहा था बच्चों, सबको पता जाना चाहिए, यूट्यूब पे सूरज सर आ गए, हर एक बच्चा मैथ में 100/100 के लिए टारगेट करना चाहिए, सब में जोश आ जाना चाहिए मैथ को देख के, मैथ को देख के सोता हुआ भी बच्चा पढ़ना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पूरा क्रांति ला दो मैथ में बेटा, महाराष्ट्र का हर एक बच्चा को ऐसा बोले, सोते समय भी मैथ में ही वो कुछ होता नहीं, यदि कोई गाना भी गाया मैथ में गाना चाहिए, खाना भी खा रहा है तो मैथ को सोच सोच के खाना चाहिए, मतलब उसके दिल दिमाग में बस जाना चाहिए मैथ, कहीं किसी को चोट लगे ना तो ब्लड अभी नहीं निकलेगा, अभी मैथ का फॉर्मूला निकलेगा, मैथ का फॉर्मूला निकलेगा। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आप लोग ले लिए होंगे। तो बच्चों चलो तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, बहुत इजी, सेम फॉर्मूले यूज होंगे, ट्रिग्नोमेट्री आईएनटी रिलेशनल फॉर्मूले, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। इफ cot थीटा इक्वल्स टू 40/9 फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा एंड sin थीटा। बेटा जैसे क्वेश्चन देखेंगे ना आपको कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ कुछ होने लगन दे, कुछ तो याद होना चाहिए, कुछ हो रहा है क्या? इसको देखो, इन दोनों को देखो, कुछ हो रहा है, कुछ याद आ रहा है? हाँ सर याद आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का थर्ड वाला आइडेंटिटी राइट, क्या है बेटा? चलो देख लेते हैं क्या था, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यदि ये याद रहेगा ना बेटा, ये सम आपको हलवा लग गया, याद हो गया रहेगा, अभी तक याद हो गया रहेगा, क्योंकि अभी विद्या से मास होने लगा क्या, विद्या से नहीं ठीक है, बाकी किसी से नहीं, विद्या मास से और मैथ से हमको करना है प्यार। चलो देखो तो बेटा सोल्यूशन में क्या लिखना है, cot थीटा इक्वल्स टू 40/9। तो बेटा ये आपको अभी फॉर्मूला याद रखना चाहिए और आपको हमेशा याद रहेगा, बोर्ड तक तो बोला नहीं, कभी भी नहीं बोला जब तक है जाना। चलो सिंस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ cot थीटा राइट। चलो cot थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, देयरफॉर cosec स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखो यहां पे बेटा cot थीटा है, इधर क्या है cot स्क्वायर थीटा है, ठीक है, उसके वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 40/9 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देयरफॉर cosec स्क्वायर थीटा इक्वल अपटू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 40 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1600। कैसे सर? देखो 4 का स्क्वायर क्या लिख दिए 60 और 10 का 20 राइट, और 9 का स्क्वायर 81 इक्वल्स टू 1। अब बेटा ये यहाँ क्या है, साइन माइनस है, जब साइन ट्रांसफर होगा साइन चेंज होगा, कैसे याद रखना है, हम कहीं जाते हैं तो कपड़ा चेंज करके जाते हैं, तो ये भी कहीं जाएगा अपना साइन चेंज करके जाएगा, ये अपने रिश्तेदार के पास जाएगा, देयरफॉर cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1+1600/81। क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो सबका मालिक एक, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो सबका मालिक एक, चलो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, याद है ना? हाँ चलो इसको नोट कर लेना बेटा, देखिए क्या आएगा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स 81 × 1 क्या हो जाएगा 81 ही आएगा ना, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो, प्लस 1 × 1600 तो 1600 अपॉन 81 × 1 ना, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है राइट, तो 81। अब बेटा क्या हो जाएगा, ऐड कर दीजिए 1681 हो जाएगा अपॉन 81, इधर क्या है बेटा cosec स्क्वायर थीटा, क्या है cosec स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा अंडर रूट, ठीक है बार बार बोल रहा हूं बच्चों याद कर लीजिए, जब स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा अंडर रूट, cosec थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1681 अपॉन 81। तो बेटा 1681 किसका स्क्वायर है 41,
कैसे सर आपको कैसे पता 41 का स्क्वायर है? देखो बेटा पहली बात तो 1600 किसका स्क्वायर है? 40 का, ठीक है, तो इससे छोटा तो नहीं उससे बड़ा है, तो उसके बाद वाला नंबर आएगा। और एंड में क्या है, जो यूनिट प्लेस है वन, यूनिट प्लेस क्या है वन है, यूनिट प्लेस वन बस दो ही नंबर का आ सकता है, या तो जो नंबर का या तो वन होगा या तो नाइन का स्क्वायर वन होगा। हाँ यूनिट प्लेस वन आएगा, देखो वन का स्क्वायर क्या होता है वन, नाइन का स्क्वायर 81, तो या तो नाइन होगा या तो वन होगा, तो 40 तो पहले से है, या तो 49 होगा या तो 41 होगा, 49 तो होगा नहीं, कैसे सर देख लीजिए स्क्वायर करके, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 4 का 16, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 36, 2 जा 72, 1 कितना हो जाएगा 88, कितना हो जाएगा 24, 2401 आएगा 49 का, तो 49 तो नहीं होगा, इसका मतलब क्या है 41 का, ठीक है, उसका स्क्वायर ये होगा। याद करिए ऐसा, आपको मैं स्क्वायर का भी ट्रिक बताने वाला हूँ, देखो जैसे मैंने फाइंड आउट किया, ठीक है, तो किसका स्क्वायर है 41 का, ठीक है 41 आएगा, 81 किसका है सबको पता है, किसका है 9 का, तो कोसेक थीटा इक्वल्स क्या आ गया 41/9, फिर डब्बा है डब्बा अंकल का टीवी डब्बा, रेक्टेंगुलर ग्लास में क्या कर देना है उसको रिप्रेजेंट करना है। Now we have to find the value of sine theta. अब sine और cos का कुछ रिलेशन है क्या? है ना सर, ये दोनों रिश्तेदार है, एक दूसरे के उल्टा है, क्या है उल्टा है, रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल है कि नहीं? हाँ चलो, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलते हैं, लेकिन अभी वो कैसा जो उल्टा होता है, लेकिन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऐसा होता है जैसे एक्स है उसका भी 1/x है, तो इसको भी रेसिप्रोकल ही बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। चलो अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 1/ कोसेक थीटा, देयरफॉर साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक का उल्टा कर दो ना 9/41, फिर डब्बा है डब्बा अंकल का टीवी डब्बा, ठीक है, आई होप आप सबको समझ आएगा, और जो समझ रहे हैं तो प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड, और बोल दो सबको गर्दा उड़ा दो गर्दा, एक तरफ से जो सोता रहे ना उसको जगा दो, भी मैथ पढ़ने लगे, ठीक है, रात में सपने में भी मैथ आना चाहिए, ठीक है बेटा, सबको शेयर कर दो, हर एक बच्चा महाराष्ट्र का हर एक बच्चा, उसको सब बच्चे का मेरा टारगेट यही होना चाहिए 100/100, हेल्प कौन करेगा, सूरज सर करेंगे ना आपका हेल्प, लाइव भी आने वाले हैं सूरज सर जल्दी, पहले आप लोग जैसे ही प्यार बनाए रखे, जैसे ही प्यार को वीडियो पे दिया आपने, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है आप लोग का, और इससे मुझे मोटिवेट भी हो रहा हूँ, और मेरे अंदर डबल एनर्जी आ रहा है आप लोग को पढ़ाने के लिए, और जल्दी ही सारे वीडियो फटाफट अपलोड करेंगे आप लोग के लिए, कि आप लोग का फटाफट सारे सिलेबस पूरा हो जाए मैथ के। चलिए फटाफट सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो बच्चों हम लोग अभी आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन हो चुका है, आई होप आपको अभी तक समझा होगा, समझा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करके गर्दा उड़ा दो बच्चा, शेयर करे गर्दा उड़ा दो, आग लगा दो, सूरज सर आ गए, बोलो सर सबको सूरज सर आ गए, मैथ में टेंशन ही नहीं, आग लगा के छोड़ेंगे पूरा बेटा, दिल में समा जाना चाहिए, विद्या से भी प्यार हो जाना चाहिए, नहीं विद्या मास, विद्या मास। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इजी है, मैं क्या किया, मैं क्या बोला था आप लोग को, मैं क्या बोला था आप लोग को, कि कोई भी क्वेश्चन अगर हार्ड लगे ना आपको टेक्नोमेट्री में, कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड लगे ना टेक्नोमेट्री में, तो क्या करने का, साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करने का, साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करने का, ठीक है, साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, चलो करते हैं सॉल्यूशन। तो जो मैं बोल रहा हूं आपको शायद समझ में आ गया रहेगा कि इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, देखो 5 sec θ - 12 cosec थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करेंगे, -12 cosec थीटा इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, जैसा मैंने बोला है हम कहीं जाते हैं तो कपड़ा चेंज कर जाते हैं, मतलब नया नया कपड़ा पहन जाते हैं, चेंज करने का मतलब, तो जैसे साइड ट्रांसफर होगा ना तो उसका साइन भी चेंज होगा, चलो देयरफॉर 5 sec θ इक्वल्स टू 12 cosec थीटा, ठीक है बच्चों। चलो क्या करना है बेटा, अब देखिए आपको याद आ रहा होगा रिलेशनल फॉर्मूला, sec का रिलेशन cos के साथ है और cosec का रिलेशन sin के साथ है, राइट, हाँ सर है, तो हम लोग ऐसा ले सकते हैं 5 × 1/cos θ एंड 12 × 1/sin θ, हाँ सर लिख सकते हैं ऐसा, तो फॉर्मूला है, ठीक है, sec थीटा का क्या होता है 1/cos θ एंड cosec थीटा क्या होता है 1/sin θ, अब बेटा यहाँ डिवाइड में क्या रहेगा तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में रह जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, राइट बेटा, तो देयरफॉर
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 12/5। अब बच्चा इसको देख के कुछ कुछ होने लगा है क्या? यदि आप इसको देखो कुछ कुछ हो रहा है, मतलब आपको मैथ आ रहा है, मैथ से प्यार हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? टेन थीटा की याद आनी चाहिए। किसकी याद आई? नहीं, टेन थीटा किया, किसी और की याद नहीं आनी चाहिए बेटा। टेन थीटा देखो, देयरफॉर टेन थीटा राइट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रिप्लेस किया, हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। इंस्टेड ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वी कैन राइट टेन थीटा राइट। ओके चलो बेटा, टेन थीटा इक्वल्स 12/5। ठीक है यार, आने लगी है सर, किसी और की नहीं, किसी और की नहीं बेटा, अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी टेन की याद आनी चाहिए, विद्या की याद नहीं, विद्या मार की, विद्या की नहीं बाबा, विद्या मार की। नहीं सर बोलेंगे सर क्या पढ़ाते हैं, विद्या की याद दिलाते नहीं, विद्या माँ की याद दिला रहा हूँ, विद्या की याद नहीं ला रहा हूँ। ठीक है चलो, टेन क्या मिल गया, बट सर हमको टेन तो फाइन है, फाइंड आउट करना ही नहीं है, आप तो टेन ला दिए। नहीं बेटा, टेन आ गया है ना, अब सब आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? देखो सेक फाइंड आउट कर रहा है, सेक और टेन का कुछ रिलेशन है क्या, कुछ ऐसा फॉर्मूला है क्या? बोला था तीन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, याद आ रहा है? याद आ रहा है सर, इधर ही तो लिखे राइट। चलो क्या फॉर्मूला है बेटा, सिंस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 100। याद हो गया, अब तक तो आपके रग रग में समा जाना चाहिए, अब तक तो आपके रग रग में समा जाना चाहिए बेटा, रग रग में समा जाना चाहिए राइट, याद हो गया बेटा। चलो बच्चा देखते हैं, तो इंस्टेड ऑफ tan थीटा अभी अपने को tan का वैल्यू पुट करना है, तो देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan का वैल्यू क्या है बेटा, 12/5 है। क्या है बेटा? 12/5 इक्वल्स टू 1। देखो 10 का स्क्वायर था तो 12/5 का स्क्वायर हो गया। अब देखो बेटा, देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा माइनस बेटा 12 का स्क्वायर सबको पता है 144 अपॉन 25 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1। सर समझ गया। अब देखो ये माइनस 144 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा बच्चा। तो देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1+144 अपॉन 25। समझ गया सर? अब देखिए यहां अपॉन में कुछ नहीं तो क्या है बेटा, 1 है। क्या है बेटा? 1 है, 1 क्या है? 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सबका मालिक एक होता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 25 = 25 + 144 / 25 / 25। इधर क्या है बेटा? sec स्क्वायर थीटा ऐड कर दीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 169/25। अब बेटा यहां स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर तो क्या आता है? अंडर रूट आता है। क्या आता है? अंडर रूट, आपको पहले बताया हुआ। ठीक है तो चलो क्या आएगा बेटा, sec थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 169/25। 169 किसका स्क्वायर है बेटा? 13 का। किसका है? 13 का। 25 किसका है? 5 का। तो sec थीटा का वैल्यू क्या आ गया? sec थीटा का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? 13/5। फिर डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा, एड देखे थे ना, एड देखे ना, धोनी धोनी सर का एड था, सबको याद है, बच्चे बच्चे को याद, आपको भी याद रखना चाहिए कि हमको जो आंसर आएगा ना उसको हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स में कर देंगे राइट। चलो अब sec मिल गया है, cos मिल जाएगा सर? सर हमको बहुत कुछ होने लगा है, बहुत सारे बच्चे को होने लगाएगा। ठीक है, क्या होने लगा है? sec रिश्तेदार है cos का, रिश्तेदार रिलेटेड है ना, उसका रेसिप्रोकल है, तो cos है रेसिप्रोकल ऑफ sec। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। तो बेटा क्या हो जाएगा? देयरफॉर cos थीटा 1/sec। बेटा इसका देखो अभी डायरेक्टली मैं ऐसे 5/13 भी लिख सकता हूं राइट, 5/13। लेकिन कुछ बच्चे को नहीं समझा लेगा तो उनके लिए मैं बता दूं बेटा, इस देखो 1/sec है तो क्या लिखेंगे? 1/13/5। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, पलटी मार जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू 5/13। आप ये डायरेक्टली यहां भी लिख सकते थे, यहां भी 5/13 लिख सकते। सर अभी sin थीटा फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? sin थीटा। तो आप इतना देख लीजिए, मैं यहां रफ कर आगे का क्वेश्चन करता हूं। ठीक है देखिए, ये क्वेश्चन वहां के बाद हम यहां करते हैं, रफ करते बेटा। सॉरी स्क्रीन शॉट ले लीजिए बच्चों, बच्चों स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका। चलो
आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ रहा है, जितने भी हम लोग ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, और ये तो बहुत आसान स्टार्टिंग का है। तो बेटा देखो, अपने को साइन थीटा फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? साइन थीटा। कॉस मिल गया है, टैन मिल गया है, साइन, दो टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो हम लोग आइडेंटिटी फॉर्मूले यूज करके, और एक टैन थीटा का फॉर्मूला है, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, चलो तो क्या फॉर्मूला है सर? टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो यहां पे कॉस डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई में, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस में चला जाएगा, तो टैन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बेटा टैन का वैल्यू क्या है? देखो 12/5। कॉस का वैल्यू क्या है? 5/13। 5/13। अब इसको देखेंगे बहुत कुछ होने लगेगा, बहुत कुछ होने लगेगा। क्या हो रहा है सर? बहुत कुछ होने लगेगा आपको ना, तो क्या करेंगे बेटा? 5/5 कुछ भी कुछ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 12/13। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? 12/13। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इफ टैन थीटा इक्वल्स टू 1, टैन थीटा इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना? देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। देखिए बेटा क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है अपना। क्या दिया है? इफ tan थीटा इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा, राइट? अब बच्चों देखो tan दिया हुआ है, क्या करना है अपने को? sin का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, cos का, sec का, cosec का। अब देखो tan से किसी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? हाँ सर कर सकते हैं। किसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? tan किससे रिलेटेड कुछ ऐसा फॉर्मूला है? हाँ सर है ना, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। याद है? याद है बेटा, याद रखना चाहिए। क्या बोला? तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, वही सब में लगेगा, हर बार यूज होगा। ठीक है, जब हमको पता है जो तीन फॉर्मूले बार बार यूज हो रहे हैं तो उसको हम क्यों नहीं याद कर रहे? और याद क्या करना है? आपको याद हो गया होगा यदि आप अच्छे से देखते रहेंगे, क्योंकि दिल लगा के देखना है। सूरज सर बोले हैं 100 out of 100 लाना है, तो दिल लगा के पढ़ना पड़ेगा, विद्या से प्यार करना पड़ेगा, विद्या मां से पढ़ मैसे प्यार करो। चलो तो tan थीटा इक्वल्स टू 1, tan थीटा इक्वल्स टू क्या है बेटा? 1। नाउ वी हैव गिवन विद द tan, सो वी कैन फाइंड द sec थीटा। हाउ? बाय यूजिंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके, व्हिच ट्रिग्नोमेट्रिक वी आर गोइंग टू यूज? सिंस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये वाला यूज करेंगे सर। हाँ देखो लर्न कर दो। देखो बच्चों अब देखो tan का वैल्यू क्या है? 1। देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, tan का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है सर। हाँ देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1, अब ये माइनस 1 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2। देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। अब बेटा यहां से स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा? उधर अंडर रूट आएगा। Therefore, sec theta equals to root 2. Sec theta equals to root 2. अब बच्चों sec theta मिल गया है, sec से क्या मिल जाएगा? cos, cos मिल गया। ठीक है, sin cos मिल जाएगा, sin cos मिल जाएगा, tan दिया है, cos मिल जाएगा, तो sin को सॉल्व कर लेंगे, sin से cosec ले लेंगे, चलो करते हैं। अब देखो sec का उल्टा क्या होता है? cos। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? Since cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा, इतना तो फॉर्मूला याद हो गया रहेगा। हाँ याद हो गया ना बच्चों? हाँ याद करके रखना। चलो देयरफॉर cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया? sec का उल्टा, तो 1 अपॉन sec है ना बेटा, तो 1 अपॉन sec का क्या है? रूट 2। तो cos का क्या हो गया? 1 अपॉन रूट 2। ये हो गया cos का वैल्यू, किसका वैल्यू हो गया? cos का। फिर डब्बा है डब्बा, अंकल का टिपी डब्बा, भूलना नहीं है इनको, हर बार हर आंसर को आपको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में, ऐसा रेक्टेंगल में डाल देना, रेक्टेंगल में डाल देना। चलो बेटा कॉस मिल गया है, ठीक है, टेन पहले से दिया हुआ, साइन फाइंड आउट कर लेंगे कैसे? अभी जस्ट पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया ना, क्या बताया था? सिंस टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
तो बेटा कॉस, अभी देखो कॉस दिया है, टेन दिया है, साइन फाइंड आउट करना है, कॉस डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बेटा टेन का वैल्यू क्या है वन, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है रे बच्चा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है देखो, वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू। अब बच्चों आपको पता ही है वन में कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही आता है, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर साइन थीटा भी क्या हो जाएगा वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू। फिर डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। अब देखो बेटा साइन मिल गया है, कोसेक मिल जाएगा, हाँ सर साइन कोसेक रिश्तेदार होते हैं ना, कोसेक इधर रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, कोसेक साइन का उल्टा होता है, कोसेक साइन का क्या होता है बेटा उल्टा होता है, तो क्या होगा बेटा कोसेक थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन साइन थीटा, तो कोसेक क्या हो जाएगा देखो देयरफॉर कोसेक थीटा इक्वल्स टू रूट टू, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल्स टू रूट टू, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा रूट टू, क्या हो जाएगा बेटा रूट टू। देखिए हमको सेक मिल गया है, हमको कोसेक मिल गया है, हमको साइन मिल गया है, हमको कॉस मिल गया है, अब तो सब मिल गया है, अब पुट कर देंगे, क्या कर देंगे पुट कर देंगे, चलो जब सब मिल गया है तो पुट कर देते हैं, तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है उसको लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू। अब देखो साइन थीटा क्या है बेटा वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू, कॉस थीटा क्या है वो भी सेम है वन अपॉन रूट टू अपॉन सेक थीटा क्या है रूट टू, एंड कोसेक थीटा क्या मिला है रूट टू। अब देखो बेटा ऊपर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो क्या करें न्यूमरेटर का एडिशन हो जाएगा जो भी है, तो वन प्लस वन टू अपॉन रूट टू, डिनोमिनेटर सेम था तो वही से लिख देंगे, और नीचे देखो रूट टू प्लस रूट टू क्या है बेटा, बेटा रूट टू प्लस रूट टू टू रूट टू, क्या होगा टू रूट टू, क्या होगा टू रूट टू। अब बेटा इसके अपॉन में कुछ नहीं तो सबका मालिक एक होता है, देखो ये ऊपर वाला फ्रैक्शन है नीचे वाला फ्रैक्शन हो गया राइट, अब नीचे वाले क्या होता है वो उसका रेसिप्रोकल होता है मल्टीप्लाई में, ठीक है उल्टा होकर मल्टीप्लाई में आता है, तो क्या हो जाएगा बेटा टू रूट टू, देखो टू अपॉन अंडर रूट टू, और ये क्या हो जाएगा वन अपॉन टू रूट टू, ये ऐसा पलटी मार लेगा बच्चों, क्या हो जाएगा पलटी मार लेगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा बच्चों, टू टू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा वन अपॉन रूट टू इंटू वन अपॉन रूट टू, तो क्या हो गया बेटा वन एंड रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाएगा बेटा टू। तो लास्ट में आपको आंसर लिखना है, आंसर क्या लिखना है वो पूरा आपको क्वेश्चन जो है लिख देंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन टू, वन अपॉन टू। फिर डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा, ठीक है बच्चों आशा करता हूं आप लोग को समझा होगा, और ये समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड, पूरा गर्दा उड़ा दो, सबको पता चल जाना चाहिए सोलह सर यूट्यूब पे आ गए, और आप लोग का इतना सारा प्यार पहले ही लेक्चर में दूसरे ही लेक्चर में मुझे तो पूरा इंटेंसिटी पूरा एनर्जी से भर दिया है यार, इतना है आपका हेल्प करने के लिए आए हैं, और हर एक महाराष्ट्र का बच्चा 100 out of 100 का टारगेट करे, यही मेरा मेन जो मोटिव है मेन एम है, और सब लोग टारगेट करिए आता भी है, और सब प्रैक्टिस करिए, एक एक वीडियो लेके आऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा, ओके तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, तो यदि वीडियो समझ में आ रहा है प्लीज सब्सक्राइब वीडियो, लाइक वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड, गर्दा उड़ा दो, आग लगा दो, आग लगा दो, सबको बोलो ये विद्या से प्यार करना है तो चलो सूरज सर का क्लास ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन राइट, नहीं विद्या मां से वो भी बता देना, विद्या मां से पता चला जाके नहीं विद्या से प्यार करने लगे, नहीं विद्या मां से, विद्या मां से प्यार करना है सूरज सर करने बताएंगे प्यार, विद्या मां से और मैथ से, और मैथ से, ठीक है तो पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे बच्चों, और अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा प्रूफ वाला क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, वीडियो मिस मत करिएगा, बेल आइकन को दबा के रख दीजिए, घंटे पे दबा दो, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही अपलोड करें वीडियो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाना चाहिए, फटाफट सिलेबस को पूरा करना है,
और खुद बोलना है यस सर अभी 100 out of 100 आएगा। और किसी बच्चे ने कमेंट भी किया है जिनको हमने पढ़ाया है उनको 99 मार्क्स आया मैथ में, तो मुझे अच्छा लगता है। पर अभी तक मेरे दिल के अंदर एक मलाल है, 99 तो आया है पर 100 नहीं आया है, इस बार 100 आना चाहिए और वो आप लोग पूरा करेंगे, वो आप लोग पूरा करेंगे, हम मुझे पूरा विश्वास है। आप लोग एकदम दिल से पढ़ते होंगे, मन लगा के पढ़ते होंगे और पूरे जोश से पढ़ते होंगे और फटाफट शेयर लाइक सब्सक्राइब भी करा रहे हैं आप लोग। ऐसे हर एक बच्चे के पास वीडियो जाना चाहिए, ऐसा कोई बच्चा ना छूटे जिसके पास वीडियो ना जाना चाहिए। हर एक बच्चे का टारगेट अभी 100 out of 100 होना चाहिए। चलो थैंक यू, तो चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे, गर्दा उड़ाते रहे बच्चों, गर्दा उड़ा दो, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय बाय।